वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। तो कैसे आप सब लोग? हेलो जी। ये कौन सा वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। तो कैसे आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह हम सब बिल्कुल ठीक है। आफ्टर वन मंथ से भी ज़्यादा, आफ्टर 34 डेज, यार आज फिर से व्लॉग बना रहा हूँ। बहुत शर्म आ रही है आप लोग, बिना बताए मैं चले गया था, ना व्लॉग अपलोड किया ना मैंने कोई पोस्ट वगैरह लगाई कि ताकि आप लोगों को बता दूँ कि भाई इतने दिन व्लॉग नहीं आएगा। ऑनेस्टली यार मुझे खुद भी ये नहीं पता था कि कितने दिन व्लॉग नहीं आएगा। तो सिचुएशन कुछ ऐसी थी यार, कुछ फैमिली मैटर्स भी थे और थोड़ा बहुत कोई और मसला भी था, इस वजह से जो है ना यार मैंने ब्लॉग वगैरह नहीं बनाए, बिल्कुल भी ब्लॉग नहीं बनाया। मैं बिल्कुल टोटल फ्री हो गया था। इतने दिन जो है ना मैंने छुट्टी की है, ठीक है, और बहुत लंबी छुट्टी की है, छोटी मोटी छुट्टी नहीं थी, तकरीबन महीने से ज़्यादा, 30 दिन से ज़्यादा मैंने छुट्टी की है। इस चीज़ के लिए यार आप लोगों से जो है ना सॉरी बोलता हूँ, सॉरी, मेरी गलती है इस चीज़ में, ठीक है। और आप लोग कमेंट्स में भी पूछ रहे थे भाई साहब किधर गए, ब्लॉग नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं। तो यार कुछ कमेंट्स ऐसे थे कि यार कोई कह रहा था कि शामिर की जो है तबीयत ख़राब हो गई है, शामिर को ये हो गया, शामिर को वो हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह आपका भाई बिल्कुल ठीक है, अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक हूँ, कोई इशू नहीं है, बस आप लोगों की दुआएं चाहिए। और सीन ये है यार, अल्हम्दुलिल्लाह आप कह रहे होगे कि इतनी ज़्यादा खुशी क्यों है मेरे फेस पे। यार जैसे आप लोगों को पता है रमज़ान आने वाला है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। और ये एक खुशी ये भी है कि रमज़ान आ रहा है, और दूसरी खुशी ये है कि हमारा जो है फर्स्ट रमज़ान होगा यूके में, और इधर का रमज़ान मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि कैसा होता है, ठीक है। मेरा तो फर्स्ट टाइम है इधर, देखेंगे कि कैसा रमज़ान होता है। तो लेट्स सी इधर के रोज़े कैसे गुजरते हैं। आज जो है रात को सहरी होगी, और अभी पाकिस्तान में जो है ना तकरीबन 6:30 या 7 o'clock हो रहे होंगे शाम के। तो मैं जो है ना अभी व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि यार टाइमिंग का थोड़ा बहुत डिफरेंस है, 5 घंटे का डिफरेंस है। मैं जिस वक्त उठता हूँ ना उस वक्त उधर 5 बज रहे होते हैं, मैं तकरीबन 12 बजे उठता हूँ, 11 बजे उठता हूँ। लेकिन आज ये मेरा फर्स्ट डे है, मैं फर्स्ट डे व्लॉग बना रहा हूँ ना, तो डेली रूटीन पे आ जाऊँगा ना जब मेरा टाइम टेबल सेटल हो जाएगा, इधर जो है ना मैं आप लोग व्लॉग्स टाइम पर अपलोड किया करूँगा, टाइम पर व्लॉग्स आएंगे। पार्क में आप देख सकते हैं मेरे साथ जो है ना बहुत सारे कबूतर हैं, देख सकते हैं आप यार कितना प्यारा कबूतर है। मैं बस यही कहना चाहूँगा कि आप लोग यार हम लोगों से प्यार करते हैं, आप लोगों ने हमें याद रखा, कमेंट्स किए कि भाई साहब किधर हो। मुझे पता है यार आप लोगों का भी जो है ना दिन नहीं गुजर रहा होगा, क्योंकि यार ऐसा होता है ना जब आप किसी चीज़ को रोज़ देखते हो ना डेली बेसिस पे, तो जब वो आपकी लाइफ से थोड़ी टाइम के लिए जाती है ना, तो आपको बहुत डिफरेंट फील होता है। तो मुझे पता है, मैं उस चीज़ के लिए यार सॉरी बोलता हूँ आपको। खैर बाकी यार अभी जो टाइम आ गया ना, वो आ गया अपने ऊपर फोकस करने का टाइम, ये आ गया कि अपने ऊपर जो है ना फोकस करें, अपनी लाइफ को जो है बेटर बनाएं। और हमारे जो रिलीजन है उसमें भी यही बताया जाता है कि भाई अपने लाइफ के बारे में सोचो, अपने बारे में जो है ना थोड़ा बहुत अब अपने आप को अपनी जो है ना लाइफ अच्छी गुजारो। तो मैंने भी जो है यार यही सोचा कि आप जो है ना अपने आप को सही कर लेते हैं, ठीक है, थोड़े बच्चेपन से जो है ना बाहर आ जाते हैं, अपने आप को जो है ना थोड़ा मैच्योर कर लेते हैं। तो यही सीन है, आपने बस अपने भाई को भूलना नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अब दुआ किया करें यार अल्लाह ताला जो है ना सब पे करम फरमाए, सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। तो रमज़ान महीना जो है हमारे लिए मतलब एक रहमत होती है, रमज़ान आपके लिए जो आता है एक, अब इमोशनल हो गया हो, लेकिन खैर ये भी आ गया भाई साहब, जदीद भी आ गया, क्या बात, अस्सलाम वालेकुम।
कैसे भाई, ठीक है? ठीक है। ओ भाई रुक जाओ, मेरा हाथ क्यों दोबारा है? पैदल बहुत कमजोर हो गया इसका, आप लोग देख सकते हैं, मतलब खाना पीना इसने बिल्कुल कम कर दिया अपना, बहुत कम खाता है। पहले इसका नाम नदीद है, लेकिन अब नदीद नहीं, इसका नाम कोई और चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि भैया अब ये नहीं सही तरह खाता। पहले तो बहुत अल्हम्दुलिल्लाह इसकी डाइट अच्छी थी, लेकिन अब जो है ना बस बिल्कुल फारिग हो गया। क्या ख्याल है आपका, आज रात को पहली सहरी होगी? रखसो रोजे, सारे रखसो रोजे ही रोजे, ठीक है। वो देखो कितना प्यारा डॉगी है, क्या बात है, ये भी कितना प्यारा है। कोई नहीं देख रहा, स्टेप हो जाए। आहा क्या बात है, नहीं स्टेप चेंज हो जाए। ये कौन सा स्टेप है, नीचे से उठ रहे हैं, गुड्डे की तरह उठ रहे हैं, क्या बात है। हैदर आप बहुत खतरनाक हो गया वैसे, आपका मुझे कुछ पता नहीं लगता, आप तो मुझे इससे डर लगता है कि इसके बाद भी यार मुझे बाइक कर सकता है। चलिए काम से, चलो बॉस चलो चलो जाओ। शेरा खाना खा लिया? नहीं सर खाना नहीं खाया, खाना खिलाओ। शेरा खाना खा लो ना, तो पैसे दो ना बॉस, आप सैलरी नहीं देते, भूखे कहेंगे मेरी सैलरी भी खा जाते हो। नकली वीडियो बनवाने के लिए मुझे बुला लेते हो। शेरा आज आज शेरा चलो, शेरा चलो। ये कहना चाहूंगा कि नमाज वगैरह जो है स्टार्ट कर दो, जो नहीं पढ़ता ना वो भी स्टार्ट कर दो, क्योंकि यार मैं भी जो है ना नमाज नहीं पढ़ता था, बीच में मैं ना एक या दो मिस कर देता था। सही बात है, झूठ नहीं बोलूंगा, मैं बीच में जो है ना नमाज मिस कर देता था। कुछ दिन तो ऐसा भी होता था मैं बिल्कुल नमाज नहीं पढ़ता था। मैंने जो है ना सोचा कि यार अब नहीं जो है ना नमाज पढ़ते हैं, ठीक है, और मैंने जो है ना नमाज पढ़ना स्टार्ट कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं सारी नमाज़ें पढ़ता हूँ, कभी कभी फजर की रह जाती है, लेकिन बाकी जो है ना सारी नमाज़ें पढ़ता हूँ। और ऐसा सुकून मिलता है ना यार, ऐसा अच्छा फील होता है कि मतलब अगर आपको सुकून चाहिए आप नमाज़ पढ़ो, किसी टेंशन में हो नमाज़ पढ़ो, हर चीज़ का हल अल्लाह के पास है, ठीक है। हमें किसी से कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, बस अपने अल्लाह से उम्मीद रखो, प्लस अल्लाह से मांगो जो आपको चाहिए। हाँ यार एक और बात, जो बॉयज़ वगैरह सोचते हैं ना कि लाइफ बहुत इजी होती है, ठीक है, बाहर की लाइफ बहुत इजी होती है, जो अपनी जो कंट्री होती है इसमें मुश्किल होता है, बाहर जो है सब कुछ इजी होता है, यार मैं आपको सही बात बताऊँ, कहीं भी कुछ भी इजी नहीं होता, ठीक है। जिस चीज़ में आप लोग दिल से कर रहे हो और आपको ट्रस्ट है कि आप लोग ये चीज़ कर लोगे, और आप उस चीज़ के लिए, आप लोग उस चीज़ के लिए मेहनत करते हो, आप उस चीज़ के लिए अल्लाह से मांगते हो, सब कुछ करते हो ना, तो अगर आप उस चीज़ के लिए लॉयल हो तो आपको मिलेगी इंशाल्लाह। अब देखो मैं व्लॉग्स बनाता हूँ, मैं बीच में जब मैंने व्लॉग्स नहीं बनाए मुझे इतना बुरा फील होता था कि यार मैं व्लॉग्स नहीं बना रहा ये वो, लेकिन मैंने कहा था कि मैं इंशाल्लाह स्टार्ट करूंगा, मैं ये नहीं कि मैं छोड़ दूंगा। आप लोगों लगा बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि शामी ने व्लॉगिंग छोड़ दिया है, शामी ने ख़त्म कर दिया है, ना भाई मैं नहीं छोड़ूंगा व्लॉग्स वगैरह, मैं इंशाल्लाह व्लॉग्स बनाता रहूंगा। लेकिन मैं आपको बस ये चीज़ कहना चाहूंगा कि अगर आप किसी चीज़ को पाना चाहते हो ना, तो आप उस चीज़ के लिए मेहनत करो, तब आपको वो चीज़ मिलती है। मेहनत करो और साथ साथ जो है ना अपने अल्लाह को याद रखो, सब कुछ हो जाएगा, सब कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है, ठीक है, अल्लाह के लिए सब पॉसिबल है। तो आज रात को जो है ना सहरी होगी, ये व्लॉग ख़त्म करके इसके बाद जो है ना हम लोग नया व्लॉग स्टार्ट करेंगे, रमज़ान की जो है ना सीरीज स्टार्ट हो जाएंगी इंशाल्लाह, सहरी से रोज़े तक जो है ना मैं व्लॉग बनाया करूँगा, तो उसमें जो है ना सहरी के वक्त मैं सो जाऊँ, सहरी तक तो मैं नहीं सोऊंगा, लेकिन सहरी के बाद जो है ना फजर की नमाज़ पढ़ के उसके बाद मैं सो जाऊँगा, और ये जो ग्रॉसरी वगैरह करने जाएंगे वो सब आपको मैं दिखाया करूँगा। तो आप लोगों ने जो है ना बस टेंशन नहीं लेनी, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। तो अभी वो हैदर जो है ना वो गया वॉक करने के लिए, वो आप लोगों को नज़र आ रहा है वो कितना दूर चले गया है, अभी ज़रा इसको जाके पीछे से पकड़ते हैं, मुझे लगता है कि आगे वॉक करने के लिए गया है ना, इसको पीछे से जाके डराते हैं। आप लोगों ने टेंशन नहीं ले ली, अभी नदीद को जो है ना 2-3 चपेड़े वगैरह भी लगाते हैं, नदीद की क्लास लेते हैं, बहुत दिन हो गया नदीद की क्लास नहीं ली। शुगर मेला तो हम लगाएंगे, किसी भी मुल्क में चले जाएँ, किसी भी कंट्री में चले जाएँ, शुगर मेला तो लगेगा। तेरी रुक, हेलो इधर आओ, ये तेरी और लास्ट हेलो जी इधर मैं नहीं मेरी क्लास ली है, अगर आप लोग देख सकते हो कैसी एकदम बदल की है, अभी मैंने इसकी क्लास ली है। गीला है तू, कैसे बैठ गया, तुझे फील नहीं हुआ? नहीं इधर को फील ही नहीं हुआ। चलो भाई साहब अब जो है ना हम लोग चलते हैं घर वापस, हो गया टाइम, हमने बहुत देर जो है ना झूले वगैरह लिए हैं, लेट्स गो, अभी जो है ना बस निकलते हैं घर के लिए, घर चलते हैं। ठंड यार बहुत ज़्यादा है, मैंने तो डबल जैकेट पहनी है, मुझे ठंड नहीं लग रही, लेकिन हाथ जो है ना ऐसे फ्रीज हो गए हैं ठंड की वजह से। ओए होए होए क्या बताऊँ मैं, आप लोग देख सकते हो आप बिल्कुल वाइट एकदम। जाते जाते ख्याल आया वो झूले पे बैठा है, इसको डराता हूँ। Ha ha ha!
आ जा चले। बर्गर की शॉप है तो पाउंड प्लस यमी चिकन। अब इधर जो है ना ज़्यादातर हलाल मिलता है, लेकिन इतना नहीं, थोड़ा थोड़ा ज़्यादा नहीं, क्योंकि कुछ पे जो है ना हलाल का टैग लगा हुआ होता है, मतलब इस पे नहीं लगा तो ये हलाल नहीं है। फिर ये साथ नीचे शॉप दूसरी वगैरह और बहुत सारी हैं वो आप लोग देख सकते हो। डेजर्ट की शॉप है, वो केक्स एंड बेक्स, बहुत सारी शॉप्स वगैरह हैं इधर जी। वो देखें कौन सी वाली जी, वो मेरी है। अच्छा आपकी है, अच्छा अच्छा अच्छा, फायरवर्क्स भी मेरी वाली। अच्छा ये आपकी है, गुड हो गया जी। अभी यार हम लोग जो है ना घर आ गए हैं अंदर, और सीधी है कि नेक्स्ट व्लॉग जो आएगा उसमें जो है ना हम लोग जाएंगे रमज़ान की कुछ ग्रॉसरी वगैरह करने के लिए, जो चीज़ें हमें लेकर आनी है वो लेकर आएंगे। तो मैं, फरिया, मामा और मामी जाएंगे, तो आप लोग जो है ना नेक्स्ट व्लॉग में वो देखने को मिलेगा। तो अभी थोड़ी देर तक हम लोग जाएंगे, कपड़े वगैरह चेंज करूँगा, हमें जो है ना कुछ ऐसी चीज़ें लेनी है जो मतलब हम डेकोरेट भी करें और अच्छा अच्छा लगेगा, क्योंकि आज रात जो ऐसे ही होगी, कल पहला रोज़ा होगा, एक वाइब क्रिएट करनी है हमने। तो हम लोग जो है ना वो आप लोग नेक्स्ट व्लॉग में दिखाएंगे क्या क्या चीज़ें हम लोग लेकर आए हैं। इधर देखते हैं कैसी चीज़ें मिलती हैं पाकिस्तान में। जो है पिछले जब हम लोग दुबई गए थे, अगर आप लोग दुबई वाले व्लॉग देखे, उधर से जो है ना मैं रमज़ान वाली लाइट्स लेकर आया था, तो वो जो है ना अपने घर में लगाई थी। तो अगर आप लोगों ने वो वाले व्लॉग्स नहीं देखे तो आप लोग देख लेना, पिछले रमज़ान में जो है ना हमने वो लाइट्स लगाई थी। हाँ हमने कुछ रोजे जो है ना हमने दुबई में भी रखे थे, और वो दिखाऊंगा जहाँ हम लोग जाएंगे वहाँ शॉप्स वगैरह दिखाऊंगा क्या क्या सीन होता है। तो ये जो है ना मैंने आपको ब्लॉग, इसलिए ये ब्लॉग ब्लॉग का मतलब ये था कि आप लोगों में जो है ना बता दूँ कि आपसे ब्लॉग आएंगे। आप जो है ना हम लोग वापस आ गए हैं, अब टेंशन नहीं ले रही है। हैदरशाही ब्लॉग जो है ना इंशाल्लाह 3 लाख सब्सक्राइबर जल्दी से करवाओ, फिर 5 लाख होंगे, फिर आप बताएं 5 लाख में जो है ना हमें गिफ्ट भी मिलेगा। तो आप लोग जल्दी से यार चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।